जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अंगड़ाई ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 फतेहपुर में आज समाजवादी पार्टी ने सूबे की योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि जिले में इन दिनों गेहूं की खरीदी चल रही है, जिसमें जमकर घपलेबाजी हो रही है। दलालों के माध्यम से किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है और जो किसान अपना गेहूं लेकर जा भी रहा है उसे कई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं सपा की माने तो भीषण गर्मी में जिले के ज्यादातर गांवों के हैंडपंप पूरी तरह से खराब पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों को पीने के पानी तक के लिए कई किलोमीटर लंबा सफर करके पीने का पानी लाना पड़ रहा है। वहीं सपा ने कहा कि नहरों में पानी ना होने की वजह से सारे तालाब सूखे पड़े हुए हैं। भयंकर गर्मी की वजह से जंगल में जानवरों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। सपा ने अपने मांग पत्र में दी गई समस्याओं का जल्द निपटारा कराने की मांग की है और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। गेहूँ क्रय केंद्रों में लगातार धांधली हो रही है। हम लोगों ने जब से क्रय केंद्र शुरू हुए तो क्रय केंद्रों का निरीक्षण खागा बिंदी फतेहपुर तमाम केंद्रों में हम लोग गए। किसानों को टोकन दे दिया गया, वो महीनों से पड़ा। अब बिचौलियों को बारदाना दे दिया जाता रहा, तौल होती रही। किसानों को 1500 से ज़्यादा लाभ नहीं मिला। लगातार हम लोग जिलाधिकारी से शिकायत करते रहे, बताते रहे। जब बताया तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, जिनकी शिकायत की वो तौल गए, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए नहीं हो पाया। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने 13 तारीख को डीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन दे करके भी हमने कुछ समस्याएं इंगित की थी, इसके बाद उस दिन प्रेस में भी बात करके तब भी हमने सारी बातें की। लगातार उन्होंने कहा नहीं सब तौलेगा। आज भी उन्होंने कहा कि आप जब से आप लोगों ने कहा तो हमने कईयों को सस्पेंड किया, कार्रवाई की, प्रयास किया कि सुधार हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हुआ तो उनका तौला लेंगे। लेकर आज प्रदर्शन किया था, किस तरह की मांग ये थी कि किसानों का गेहूं जो सरकारी 112 क्रय केंद्र खोले, आधे क्रय केंद्र सरकार ने बंद कर दिए और आधे क्रय केंद्रों में सरकार किसानों का गेहूँ नहीं खरीद रही, उसकी मांग को लेकर हम लोगों ने आज प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है। और अगर इस तरह आगे नहीं कार्रवाई करते तो आगे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जनपद में तालाबों में नदियों में पानी नहीं है, जिससे मवेशी मर रहा है, बगैर पानी के जानवर मर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हजारों हैंड पंप जनपद में खराब पड़े, उनके रिपोर्ट नहीं हुए तो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। गांव में पानी पीने के लिए किल्लत है। गांव में एक हैंड पंप में सैकड़ों लोग बाल्टी लेके लाइन लगा रहे हैं। ये देश प्रदेश जिले की स्थिति है। इसके लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी ने आज आगाह किया है और ज्ञापन दिया है।